ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। मन को प्रकाश दो प्रभु, जीवन सवार दो, करता हूँ तुमसे प्यार मसीह, मुझको प्यार दो, मुझको प्यार दो, मन को प्रकाश दो प्रभु। मैं पाऊं दरस तेरा, मन मेरा है प्यासा, मेरे प्राणों को है यीशु तेरे दरस की आशा। कैसे मैं पाऊं दरस तेरा, मन मेरा है प्यासा, मेरे प्राणों को है यीशु तेरे दरस की आशा। दरस दिखा दो, दरस दिखा दो, करता हूँ तुमसे प्यार मसीह, मुझको प्यार दो, मुझको प्यार दो, मन को प्रकाश दो प्रभु। एथेरोक्लेरोसिस शांत हत्यारा। जाने अनजाने में कई बार व्यक्ति ऐसे काम कर बैठता है जिसका परिणाम मृत्यु होता है। मृत्यु एक सत्य है जो झुटलाई नहीं जा सकती, परंतु मृत्यु यदि हमारे उन कामों के कारण आती है जिसमें हम कुछ समय के लिए आनंद महसूस करते हैं तो वह असमय मृत्यु होती है। आनंद महसूस करते हैं तो वह असमय मृत्यु होती है जिससे व्यक्ति के संबंधित अधिक कठिन परिस्थितियों में सामना करने का मजबूर हो जाते हैं। ये स्थितियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर और एड्स, इनके कारण असमय मृत्यु हो जाना। हम अपने जीवन में जब जब भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध गए उसी समय कुछ ना कुछ नुकसान जरूर उठाते हैं, इसलिए हमें अपने भोजन, आराम, व्यायाम पर मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। अनियमित ढंग से व्यायाम करना, भोजन करना और आराम करने से लाभ के बजाय शरीर में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये आरंभ में बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं या फिर कभी कभी दिखाई भी नहीं देती, परंतु जब उनका असर एकदम शरीर पर पड़ता है तो वह भयानक रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार की एक त्रुटि है जिसे एथेरोक्लेरोसिस कहते हैं। यह एक प्रकार का शांत हत्यारा है
जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, लकवा, ब्रेन हैमरेज, याददाश्त खो जाना तथा हार्ट अटैक जैसे रोग हो जाते हैं और व्यक्ति खड़ा खड़ा मर जाता है। लक्षण: धमनियां या रक्त वाहिनियों में वसा तथा कैल्शियम का चिपक जाना तथा धमनियों में अकड़न पैदा हो जाना ही एथेरोक्लेरोसिस है, जिसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह में गड़बड़ी आ जाती है। इस गड़बड़ी में जो झटके लगते हैं उससे शरीर की कई नलिकाओं को चोट पहुंचती है। यही वजह होती है कि शरीर का वह भाग काम करना बंद कर देता है तथा व्यक्ति अचानक भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है। एथेरोक्लेरोसिस 40 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले पुरुषों में लगभग 40% पाया जाता है और इसके द्वारा कोरोनरी नलियों में अधिक प्रवाह पड़ता है और किसी भी समय हार्ट अटैक हो जाता है। वैसे तो यह रोग वृद्धावस्था में अधिक होता है, परंतु इस आधुनिक युग में हर उम्र के व्यक्तियों में सबसे अधिक मृत्यु इसी के कारण होती है, जो हार्ट अटैक के नाम से जानी जाती है। एथेरोक्लेरोसिस का संबंध रक्त लाने व ले जाने वाली नलिकाओं से है। इसके द्वारा शरीर में गड़बड़ी पैदा होने के कारण कई रोग पैदा हो जाते हैं। जैसा हमने बताया कि नली का छेद वसा व कैल्शियम चिपक जाने के कारण छोटा होता चला जाता है, जिससे लचीलापन भी समाप्त हो जाता है, जिसके द्वारा रक्त से ऑक्सीजन ले जाने की कठिनाई पैदा हो जाती है और जिस अंग की नलिका में यह गड़बड़ी आ जाती है उस नलिका के अंदर दर्द व रक्तवाहिनी का अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरोसिस: हृदय के मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नली जब पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, रुकावट उत्पन्न होती है, तब बाएं हाथ में दर्द आरंभ हो जाता है जो कंधे से होकर छाती में होने लगता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक: हृदय का एक हिस्सा ऑक्सीजन की कमी के कारण भूखा रह जाता है और काम करना बंद कर देता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन: पैरों की मांसपेशियों तक रक्त द्वारा भोजन व ऑक्सीजन ले जाने वाली नलिकाओं में रुकावट आने के कारण पैर शिथिल व ठंडे पड़ने लगते हैं और पैरों में अकड़न तथा दर्द होने लगता है, जब तक कि फिर से नसें रक्त अच्छी प्रकार भोजन और ऑक्सीजन उस भाग में पहुंचाना आरंभ न कर दें। निपुंसकता: जनन अंगों में नलिकाओं द्वारा पूरी तरह रक्त द्वारा भोजन और ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से जनन अंग कार्य नहीं करते। 50-60% जनन अंगों में त्रुटि का कारण एथेरोक्लेरोसिस है। तनाव: एक समान गति जिसके कारण शरीर के हर भाग में रक्त पहुंचाने का कार्य नलिकाओं द्वारा होता है, यदि इसमें रुकावट पैदा हो जाए तो तनाव आरंभ हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर से व्यक्ति पीड़ित रहता है। सेरेब्रल इन्फेक्शन: स्ट्रोक: धागे के समान पतली से पतली नलिकाओं में जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, यदि उनमें अचानक रुकावट की वजह से ऑक्सीजन व भोजन की कमी पैदा हो जाए तो लकवा या मृत्यु भी हो जाती है। वृद्धावस्था में जब मस्तिष्क तक रक्त द्वारा भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलिकाओं में रुकावट आ जाती है तो याददाश्त खो बैठते हैं, साथ ही इसी रुकावट के कारण सुनने में कमी तथा देखने में कमी पैदा हो जाती है। कैंसर: यह देखा जाता है कि स्तन, पुरुष के जननांग, आंतों के कैंसर का कारण एथेरोक्लेरोसिस ही है। नलिकाओं द्वारा सही मात्रा में रक्त न पहुंचने की वजह से इन अंगों में गड़बड़ी पैदा हो जाती है और इनमें उत्तक भली प्रकार नहीं बन पाते, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। एथेरोक्लेरोसिस उत्पन्न होने के कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण है हमारा भोजन। रूसी शोधकर्ताओं ने कुछ परीक्षण खरगोश के ऊपर किए। उन्होंने कुछ खरगोशों को मांस और अंडा खिलाना आरंभ किया और कुछ महीनों पश्चात जब उन खरगोशों का परीक्षण किया गया तो मालूम हुआ सबके सब खरगोश हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोक्लेरोसिस से परेशान थे। उनकी रक्त नलिकाएं कई जगह से बंद हो चुकी थीं। इस परीक्षण से सिद्ध होता है कि नलिकाओं में जब वसा तथा कैल्शियम चिपक जाता है तो उससे रक्त प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के समय यूरोप के सैनिकों को उनका वास्तविक भोजन दूध, मक्खन, मांस और अंडा नहीं मिल सका, जिसके कारण उनको अनाज, दालें, फलियां तथा सब्जियों में ही रहना पड़ा। परंतु इस भोजन के बदलने से एक फायदा हुआ
कि उन सैनिकों में जो ब्लड प्रेशर और एथ्रोक्लोरोसिस अधिक मात्रा में था वह चला गया। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में चीनी, रिफाइंड भोजन वस्तुत और वसा युक्त भोजन करते हैं उनमें भी एथ्रोक्लोरोसिस हो जाता है। यदि व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज या मधुमेह, सिफिलिस, गठिया और मलेरिया रोगों से पीड़ित है तो भी एथ्रोक्लोरोसिस हो जाता है। अधिकतर यह मानसिक तनाव के कारण होता है और इसके द्वारा हार्ट अटैक भी हो जाता है। कई परिवारों में तो इसका असर वंशज भी होता है। उपचार, जैसे ही व्यक्ति को पता चले कि वह इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे तुरंत उचित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले उसे 3 से 5 दिन के रस उपवास में जाना चाहिए। इस समय वह ताजे फलों का रस पिए और रोज सुबह पेट की सफाई के लिए एनीमा अवश्य ले। रस उपवास के बाद रोगी को 3 प्रकार के भोजन खाने चाहिए। 1 बीज फली व अनाज, 2 सब्जियां और 3 फल खाए। बीजों को अंकुरित करके खाना चाहिए। ठंडे वनस्पति तेल खा सकते हैं। ऐसा 3 महीने बाद दोहराते रहें। ध्यान रहे, भोजन थोड़ा थोड़ा करके कई समय में खाना लाभप्रद है। रोगी को वनस्पति घी, वसा, मक्खन, मलाई नहीं खाना चाहिए। मांस, नमक और रिफाइंड वस्तुओं को अपने से दूर रखें। एल्युमिनियम तथा तांबे के बर्तन में पकाए भोजन को नहीं खाना चाहिए। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि लहसुन और प्याज के सेवन द्वारा इस रोग को दूर किया जा सकता है। विटामिन सी की अधिक मात्रा में गोलियां खाने से भी फायदा होता है। आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आपको फायदा होगा। अब आप वेल्डन चरण को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। मिलते उसमें आकर चाहे
प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, बाइबल हमसे कहती है, सबसे पहले मैं ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। परमेश्वर की प्रत्येक संतान लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर के सम्मुख एक याजक है। जब हम ये भूल जाते हैं, तब हम अपनी प्राथमिकता जिम्मेदारी में चूक जाते हैं। हम किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? सर्वप्रथम हमें सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सभी मनुष्य हमारी प्रार्थनाओं के दायरे में आना चाहिए। हमारा दर्शन विश्वव्यापी होना चाहिए। पौलुस ने रोमियो 10:15 वचन में प्रश्न किया, बिना किसी के प्रचार किए वे क्यों कर सुने? 1 तीमोथियस 2:1-4 के आधार पर हम प्रश्न कर सकते हैं, यदि कोई उनके लिए प्रार्थना ना करे तो वे कैसे उद्धार पा सकते हैं। फिर हमें परमेश्वर के लोगों को जागृति और पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करना है। आज की कलीसिया वो नहीं जो कल थी, आज की कलीसिया वो नहीं है जो उसे होना चाहिए था, आज के मसीह वो नहीं है जो उन्हें होना चाहिए था। आजकल हमारे अंदर ठंडापन है, हम आलस के शिकार हैं, हम कमजोर हैं। शैतान ने हम सबको पकड़ के रखा है। शैतान ने हमारे विश्वास को मार दिया है। शैतान ने हमको अपने हाथों से पकड़कर जकड़ कर रखा है। बाइबल कहती है कि शैतान एक भूखे शेर की तरह हमें खोज रहा है कि किसे वो फाड़ डाले। वो शेर जो पिंजरे के अंदर नहीं लेकिन बीहड़ जंगल में पाए जाना वो खतरनाक शेर है। मित्र, परमेश्वर हमसे कहता कि हम अपने जीवन को लेकर, ताकि हम अपने शरीर को लेकर, ये जीवित शरीर हमारा जीवन है, अगर यह शरीर आज परमेश्वर छीन ले, हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर चाहता कि हम इस शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसे दे, इस शरीर को उसे दे, और परमेश्वर चाहता कि हम उसके शरीर को लेकर उसके पास आए और प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, आज आपका जीवन खतरे में है, आपको पता नहीं कि कल क्या होगा।
और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सिंहासन के पास आए। कुल मिलाकर समान रूप में हम सब विश्वास से पीछे हट गए हैं, हम डर गए, हम शैतान के से डर गए, हम शैतान की उस आवाज से डर गए, क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। बाइबल कहती है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है और जहां जहां मैं जाता हूं वो मेरे पीछे आती है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें परमेश्वर के साथ रहकर सामर्थ्य प्राप्त करना है ताकि शैतान हमारे जीवन को नष्ट ना कर सके। हम पहले की महिमा को खो चुके हैं। ये दशा अधिकांश कलीसियाओं की है। मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक 23 में 7 में से 5 कलीसियाओं को मसीह ने डांट लगाई थी। वे हमारी दशा को दर्शाते हैं। प्रथम कलीसिया इफिसियों की कलीसिया में मसीह दीवटों के बीच में था, जब हम अंतिम कलीसिया यानी कि लौदीकिया तक आते हैं, हम देखते हैं मेरे मित्रों कि मसीह प्रवेश पाने के लिए द्वार खटखटा रहा है। कलीसिया ने अपने प्रभु की कमी को महसूस ही नहीं किया, लगातार खार करती रही। भजन संहिता में लिखा है, क्या तू अपने को फिर न जलाएगा। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता यूएल प्रभु के याजकों को प्रार्थनाओं और आंसुओं के लिए निमंत्रण देते हैं। अपने आत्मिक जागृति के बारे में पर्याप्त प्रचार और पुस्तकें प्रकाशित हमने किए हैं, हमने प्रचार किए हैं, पुस्तकें हमने प्रकाशित की है। आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों मसीही पुस्तकें हैं, सब तरफ प्रचार हो रहे हैं, किंतु पर्याप्त प्रार्थनाएं नहीं की, हमने प्रार्थनाएं नहीं की। हम ये प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर इंतजार कर रहा है। वो देख रहा है कि कौन मनुष्य उसके पास आए और प्रार्थना करे। मेरे मित्रों, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आपको प्रार्थना का योद्धा बनना है, ना कि एक मरा हुआ मसीह, एक मरा हुआ मनुष्य। मेरे मित्रों, इसी कारण आत्मिक जागृति नहीं आती, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। एक बीमार कलीसिया मरणासन विश्व को नहीं बचा सकती। आइए आत्मिक जागृति को अपने दैनिक प्रार्थना सूची में प्रथम स्थान दें। हमें उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है जिनके साथ हम घनिष्ठता से रहते या काम करते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि हम बीमार हैं। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बीमार हैं। शैतान ने हमें बीमार करके रखा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5 उसका 16 वचन में लिखा है, धर्मी जन जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, उनकी प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। औपचारिक रूप से हाथ मिलाना और अभिवादन करना काफी नहीं है। अपने संगी विश्वासियों को सिंहासन के सम्मुख नियमित रूप से हमको उनको स्मरण करना है अपनी प्रार्थनाओं में। हम पूर्णता आत्मनिर्भर नहीं, परंतु एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप आत्मनिर्भर हैं। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो आप कमजोर हैं।
आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है या एक दूसरे के ऊपर आपको निर्भर होना है जो विश्वास में मजबूत है। उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए, जो प्रार्थना की योद्धा है उनके साथ मित्रता बढ़ाइए और उनके साथ प्रार्थना कीजिए। नहीं तो आपका जीवन धर्म संकट में पड़ सकता है, आप अंधकार के शिकार बन सकते हैं। मित्र, परमेश्वर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता है कि आप प्रार्थना का योद्धा बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सिंहासन में आए और अपना जीवन इसी वक्त और इसी समय जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसे दें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए, तूने बता कि उनका जीवन इस पृथ्वी पर कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रार्थना करना सिखा, उनके विश्वास को बढ़ा, उनके जीवन को तू बदल, उनके जीवन में तू जागृति ला, उनके घर में आ, तू रोशनी का मीनार बन उस घर में। हम उनके जीवन को तेरे पंखों के नीचे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। मित्रों, हमें आपके पत्रों का और फोन का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।